एगो बारात जात बा, बारात ना दुनिया का सबसे निराली बारात, दुनिया का सबसे सुघर बारात। बारात जात बा, एगो साधु बाबा सामने से आगे से सरनी गुदरे ले ले भजन गावत आवत होन। चौना बारात में दुल्ही के रोवे के चाही, दुल्ही बड़ी मौज में है, चेहरे पे घूंघट डाली है, बड़े आराम से सोई है, लेकिन बराती जितने हैं सभी के आंखें नम है, सभी के आंखों में आंसू है। साधु बाबा नजदीक से गुजर गिलन, डोली लेने कहार आगे बढ़ गिलन, एगो 27-28 साल का नौजवान लड़का रहा, वही से साधु बाबा कहलन भैया ये केकर बरात जाती है, कैसन बरात बा। लड़कवा के आंख में आंसू बा, आस पोस के कहलस की बाबा बरात नाई है, आप होखा तो देख ला, आप जाए है रास्ता आप जाए। साधु बाबा कहलन की तो हक आई ई तो बराते है ना। लड़कवा कहलस की नहीं बाबा बरात नाई है। कहलन की अरे अरे ई बरात नाई है तो का है। लड़कवा खिसिया कहलो की तू जइबो की यहाँ करबो बकवास, चल जा चल जा, जरले पर नमक मत डरा, उतर जा। कलो बाबा की आखिर बात का हो, ई बारात ना हो तो का हो। लड़कवा कलस की हमार जवानी चाचा रहल हो, एक्सपायर कर गेल हो, उन्हीं के विदाई बा, हम शमशान घाट पर जाते एकर दुल्हा। साधु बाबा फिर अब जिद करत आ, एकर दुल्हा के हो, एकर ससुरार कहा हो, खिसिया गो कह चुप रह, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग की बारात ना है, एक दुल्हा के है, एक ससुराल का ही तू का बतिया बतवा, दिमाग खराब हो गया ना, तो क्या बता यार बढ़िया तो कर रहा है, ये साधु जी के इनके मक्का, उन्हें कहा है साधु जी के कहा, हाँ, समझदारियों करना ना रहे, ऐसे कहा, साधु वाले निकला से पूछो तो कहाँ पूछे भैया। चिनारी है दुल्हन, बराती रो रहे सोई घूंघट को डाल है दुल्हन, किसी ने प्यार से पूछा कहां ससुरार दुल्हन की, लड़कवा खिसिया गल तो साधु बाबा कहलन के बाबू रे कि हम हो जानता नहीं कि मैयत भइल बाई जनाजा जाता, लेकिन अध्यात्म से देखबो कि ई दुल्ही बाई कर दुल्हा के बा, परमपिता परमेश्वर जो दुनिया के सारे जीव जंतु के कोई पति है। लड़कवा के जैसे कंप्यूटर खुले वैसे दिमाग खुल गई, क्षमा मांगता बाबा हमसे बहुत जाने अनजाने में गलती हो गई, तो हाँ तोरे गोड़ा पर गिरा थी बाबा माफ कर दिया। साधु आकलन की कोनो दिक्कत नहीं थे, लड़कवा से पूछलन तो लड़कवा बतावे का बतावे, मसानी घाट तकी तो मसानी घाट तकी हम प्यार का निस्ता निभाएंगे, आंखें धर जाए कि दूरी न
लड़ी बड़ा कलश की बाबा हो एक रिश्ता और हमन का रिश्ता केवल शमशान घाट तक बा एक बाद कहा जाए हमन के कुछ अता पता नहीं लड़ी तब साधुआ कलन की पांच मिनट की लोगों के रुकता तो हमें वो बात बता दे लोग जनाजा उतार दलस चारों तरफ गोलिया के बैठ गई साधु भाई को बात कल हमारे स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी वाली तरह लगी परिचय को पढ़ लिया भैया हमारे गुरु जी का है सवाल के लिए भैया हो एक दिन सबको जाना है लेकिन संसार का नियम बाबू के केहू तोड़ ना सकेला स्कॉर्पियो बोलेरो फॉर्च्यूनर से चलाता हो राजा रंग गरीब दुखिया सभी को एक ही रास्ते जाना है और सभी की सवारी ओहे हरेक की मारुति हुई लेकिन एगो लाइन बड़ी मूल्यवान कवि जी लिखलन का लिखल भैया और देखे गायक फुलेंदर ऑफिशियल लिखले कवि जी
ध्यान सुनने वाले श्रोता बंधु जरा ध्यान दीजिएगा, माया में काया फसल नहीं बा ठेकरमा, ई माया बा जवन रुपया पैसा धन दौलत मेहरी लेका माई बाबू गीत नाथ संगी साथी ये माया बा जवन हमके और आपके उलझा के रख ले बा। ऐसे कवि लिखल कि माया में काया फसल नहीं बा ठेकरमा, आ कब के कर जन्म होई कब के कर के कुछ नहीं लेकर के जाओगे, खाली साथ में जाए तो दू गज के कफन, लेकिन हम कहिया कि कबो कबो कफनो न सिना होला हो भैया। तो कैसे भैया, जैसे में एक ध्यान रहे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में, आप लोग देख ले रहा जितने लोग जल कटाव में बह गए उनके शरीर को चील कौए कुत्ते नोच नोच करके खा गए, क्या उन्हें कफन नसीब हुआ? नहीं। आपके साथ में जाएगा तो आपका कर्म जाएगा, आपका व्यवहार जाएगा, आपका नाम इस दुनिया वाले मरने के बाद याद करेंगे। बेचारा बहुत बढ़िया हारमोनियम बजा रहा था, लेकिन मर गया, मर के ना चाहता रहा, क्योंकि अपने को मत लिया भैया, हम मर के तो चाहते रहे लेकिन अच्छा रहे। ए भैया तू है पूरा कर्म करता लोग कहीं मारा सरला ढोलक बहुत बढ़िया बजा रहा था, मर गए ठीक है भाई, लेकिन ए बाबूजी इस संसार की ना कि केवल हम ही और दुनिया की सब जय, लेकिन ए बुलाए और कभी जी खरल काल खरल भैया का